नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। थाना मकबूलपुरा की पुलिस ने दो आतंकवादियों को किया गिरफ्तार, एक ग्रेनेड और 1 लाख रुपए की भारतीय करेंसी की बरामद। बठिंडा के मिनी सचिवालय में पूर्व फौजी पेट्रोल की बोतल लेकर आत्महत्या करने के लिए छत पर चढ़ा, पुलिस ने कड़ी मशक्कत कर किया काबू। जालंधर के अधीन आते फिलौर में दहेज की मांग पूरी ना होने पर दूल्हे ने मंडप में फेंका सेहरा, पीड़ित परिवार ने DSP से इंसाफ की लगाई गुहार। और अब हलचल विस्तार से। थाना मकबूलपुरा की पुलिस ने दो आतंकवादियों को काबू किया है। पुलिस ने इनके पास से एक ग्रेनेड और 1 लाख रुपए की भारतीय करेंसी भी बरामद की। इस संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारी राजेंद्र पाल ने बताया कि पकड़े गए आतंकवादियों की पहचान अंग्रेज सिंह और प्रकाश सिंह, दोनों निवासी फिरोजपुर के तौर पर हुई है। इनके खिलाफ पहले भी कई मामले दर्ज हैं। उन्होंने बताया कि इनमें से एक नौजवान प्रकाश सिंह ड्रग केस में जेल में बंद था, जो पैरोल पर बाहर आया था और वापस जेल नहीं गया, जिस कारण उसे भगोड़ा करार दिया गया था। पुलिस नाकाबंदी के दौरान चेकिंग कर रही थी कि इस दौरान इन दोनों ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने इन्हें काबू कर लिया। फिलहाल पुलिस दोनों को अदालत में पेश कर रिमांड हासिल करने की तैयारी कर रही है, ताकि इनसे आगे की पूछताछ की जा सके, जिससे और भी कई बड़े खुलासे होने की संभावना है। वहीं जब इस संबंध में पकड़े गए आरोपियों के पारिवारिक सदस्यों से बात की गई, तो उन्होंने कहा कि उनके लोगों को नाजायज फंसाया जा रहा है, वे बिल्कुल बेकसूर हैं। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। प्रकाश सिंह जड़ा है ते दूसरा अंग्रेज सिंह, ये इन्हों दे जड़े आ विदेशी पाकिस्तानी ते इंडियन समग्रा नाल संबंध आ, ते ये जड़े आ इलाके विच घूम रहे आ, ते दराने इलाका ही मुके इन्हां चैक काबू किया जी। इन्हां दे कोलों हैंड ग्रनेड ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਆ ਗਏ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਆ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ? ਪੁਰਜੀ ਕਰੋਨੀਆ ਜਨਰਲ ਇਹ ਹੈ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਪਿੱਛੇ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਕੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ? ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਂਡ ਗ੍ਰਨੇਡ ਦੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਆ ਜੀ। ਗ੍ਰਨੇਡ ਕਿੰਨੇ ਸਰ? ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਸਰ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਕਰਕੇ ਰਿਮਾਂਡ ਲਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਲਿੰਕ ਆ ਤੇ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਗ੍ਰਨੇਡ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ? ਗ੍ਰਨੇਡ ਅਜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਪਤਾ ਜੀ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬੁੜੀਆ ਇਹਨਾਂ ਸਵਰਾਂ ਲਿੰਕ ਹੈਗੇ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਆ। ਸਰ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਦਰਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ? ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਸਾਡੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਦੂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚੋਰੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਜਾਂ ਕੁਛ, ਗੱਡੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਗੱਡੀ ਕੀ ਸੀਗੀ? ਬਰੀਜ਼ਾ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ ਬਰੀਜ਼ਾ ਗੱਡੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਦੇਖੋ, 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਧੂ ਹਸਪੀਟਲ ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਵਾ ਕੇ 4 ਦਿਨ ਦਾਖਲ ਰੱਖਿਆ, ਘਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦਾ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੀ 8 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ। ਹੁਣ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ? ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੰਬ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, ਬਟ ਨੋ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਟਾਕਾ ਵੀ ਚਲਾਉਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਨਾਣ ਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ? ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ। ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ? ਉਹ ਚੱਪਾੜਿੱਕੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਗੁਰੂਸਰ ਦਾ। ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੈਣਾ ਜੀ? ਦੋਵੇਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਏ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਵੀ? बठिंडा के मिनी सचिवालय में उस समय हड़कंप मच गया जब ADC ऑफिस में शिकायत लेकर आया एक पूर्व फौजी पेट्रोल की बोतल लेकर सुसाइड करने के लिए मिनी सचिवालय की छत पर चढ़ गया। इस दौरान उनके पास उसका लाइसेंसी पिस्तौल भी था। जैसे ही पुलिस को इस बारे में पता चला, तो पुलिस ने आनन फानन में तुरंत मिनी सचिवालय की छत पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद पहले पूर्व फौजी से पेट्रोल की बोतल को छीना और इसके बाद उसकी लाइसेंसी पिस्तौल कब्जे में लेकर उसे हिरासत में लेकर कार्यवाही शुरू की। इस दौरान मौके पर तहसीलदार भी पहुंच गए, जिन्होंने उसकी शिकायत भी सुनी। पूर्व फौजी बुद्ध सिंह गांव सदोहा में पंचायती जमीन में अवैध कब्जे को हटाने की मांग को लेकर शिकायत देने आया था, लेकिन जब उसकी सुनवाई नहीं हुई तो वह पेट्रोल लेकर मिनी सचिवालय की छत पर पहुंच गया और वहां से सुसाइड करने की धमकी दे डाली। वहीं घटना की सूचना मिलते ही DSP विश्वजीत सिंह और थाना सिविल लाइन के इंचार्ज पुलिस पार्टी सहित मौके पर पहुंचे और पूर्व फौजी को हिरासत में लिया।
बुद्ध सिंह ने बताया कि वह सेना से रिटायर फौजी है और गाँव में विकास के काम करवाने का पक्षधर है। बठिंडा से हलचल के लिए नरेश कुमार की रिपोर्ट। मेरी प्रॉब्लम यह है, 1.5 साल हो गया मैनू, साडे पिंड दे विच तनाड़ लोगों ने 50 किले है, एक कोले 35 किले है, उन्होंने पंचायती जगह पर नजायज कब्जा कर रखा। मैं एप्लीकेशन शिकायत करता इधर, पहला DDPO तो एप्लीकेशन दी, मैं फिर BDO को गया, BDO तो बाद उन्होंने गेंद माल विभाग के पाले च सिटती। हूँ 3 बारी कानों को मुड़िया खेत चो, फिरनी तो जगह है बहुत बढ़िया, पार्क बनावे कोई उतो मुड़िया। हूँ कल की है, परसों 15 तरीक उन्हें डेट दी सी आपके दफ्तर के खेल, उत्थे गया नहीं जगह पर जी नजायज कब्जा, उत्थे गलत रिपोर्ट पा के देती। तो मैं प्रशासन को बेनती करदा, मेरे ख्याल DC साहब तो है नहीं, DC साहब बेनती करदा, मैनू हुणे हुण मिनती होनी चाहिए है, तो कार्रवाई करनी। मैं थ्रू प्रोपर चैनल चलना 1.5 साल हो गया। जालंधर के अधीन आते फिलौर में दहेज की मांग पूरी ना होने पर दूल्हे ने मंडप में ही सेहरे को फेंक दिया और बारात वापस ले गए, जिसके चलते लड़की के पारिवारिक सदस्यों ने DSP फिलौर को मिलकर लड़के और उसके परिवार पर सख्त कार्यवाही की मांग की। इस संबंध में जानकारी देते हुए लड़की के पिता नरेश कुमार ने बताया कि वह 4 बेटियों का बाप है और मेहनत मजदूरी कर अपने घर का गुजारा कर रहा है। गत दिनों उसकी लड़की का विवाह था और बारात शाम 5 बजे पहुंची। बारातियों ने 27 मिलनियां करने के बाद लड़के की माँ और मामा ने उसे साइड में ले जाकर कहा कि उन्हें सोने की 5 अंगूठियां डालें या फिर नकदी दें। ये सुनकर उनके होश उड़ गए और उन्होंने उनकी मिन्नतें की पर वे नहीं माने और लड़की को छोड़कर जाने की बात कही। इस दौरान शहर के गणमान्य व्यक्तियों ने भी लड़का परिवार के आगे हाथ जोड़कर उनकी भी एक ना सुनी और उन्हें बेइज्जत कर बारात वापस ले गए। वहीं इस संबंध में DSP जगदीश राज ने बताया कि उनके पास शिकायत आ चुकी है और लड़के परिवार को बुलाया गया है और कानूनन जो भी कार्यवाही बनती होगी वे जरूर करेंगे। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। मेरा नाम नरेश है जी, मेरी बेटी की मैरिज सी, सवेरे 9 बजे का टाइम से बरात का, बरात आई 5 बजे जी, मिलनियाँ कराइया उन्होंने, बरात में सारी रोटी खान बढ़ गई, मुंडे की माँ तो मुंडे का मामा मैंने लैके सैड पर खड़े हो गए जी, कहते साडा इज्जत मान नहीं होया, सानू जिहड़ियां तैनू मुंडियां कहियां सी उह नहीं पाईआं। दूसरी गल मुंडियां दी सी छड्ड दिंदे आ, चल नकदी कर दे सानू। मैं उसे उन्होंने मिन्नत तल किए, पैर ही पिया, मैं तो पैर ही पिया, मैं तो धी वाला जी, मैं तो पैना पैर ही उन्होंने, मेरे भैन भरा जो मुख्य बंदे मेरे शहर के वो भी उन्होंने पैर ही पे जी, पर उन्होंने किसी की मनी नहीं, कहते असी निकाह नहीं होना जी, फिर ये मतलब निकाह हो नहीं देना बिल्कुल, इतने कुड़ी छड़ के जावे इन्होंने। चलो मैं भी मैं चलो मैं मिन्नत तरले कर दे, भाजी उन्होंने मिन्नत तरले करते, कहते चलो निकाह कराओ, फिर निकाह तो बाद छड़ के ब्याह करा के फिर छड़ के जावे। मैं बेटी मैं भेजनी नहीं जी। अज सवेरे ना मेरे ध्यान में आया कि दरखास्त मसूल हुई है भी उच्ची घाटी दे के लड़की जी का पटियाले 2 साल तो रिश्ता होया सी, वो बरात आई सी ते बरात बिना विआह कीतियां वापस चल गई है। वो मैटर मेरे ध्यान च आ गया, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं हूँ। मैंने लड़की के जिहड़े पेरेंट्स ने वो मिल के गए ने, दूजी पार्टी नूं बुलाया, दोनों पार्टियां ने सुन के जो भी कानूनी कार्रवाईबंदी हुई वो की जाएगी। परिवार ने दोष लगाया उन्होंने भी जो मिलनिया हुई, उस तो बाद जो इन्हों का निकाह होने लगा तो निकाह होने तो पहले उन्होंने डिमांड रख दी भी तुम साड़ी जी सेवा नहीं की, साडे मुंदरियां नहीं पाइया साडे रिश्तेदारां नूं, तो साड़ी बेइज्जती हुई है, तो असं विआह नहीं करना, जां विआह करन तो बाद असी जी लड़की नूं इह छड्ड देना। सो इन्हां दा डिस्प्यूट पै गया, तो हुण कंप्लेंट आ गई है, जो भी दोनों धिरां नूं सुन के जो भी सच्चा होगा उदे अनुसार ही कार्रवाई की जाएगी। बॉलीवुड के प्रसिद्ध कलाकार अनुपम खेर सचखंड श्री दरबार साहिब में नतमस्तक होने के लिए पहुंचे। इस दौरान सफेद रंग का कुर्ता पहने अनुपम खेर को देख उनके फैंस काफी अधिक उत्साहित हुए, जिसके चलते अनुपम खेर ने सभी फैंस का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि 38 वर्ष के उनके करियर में फैंस ही हैं जिन्होंने उन्हें ऊंचाइयां तक पहुंचाया है।
वहीं उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ उनकी आ रही फिल्म ऊंचाई का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि सुरक्षा घेरे के चलते फैंस उनके समीप नहीं पहुंच सके। अनुपम खेर ने कहा कि वे गुरु घर में फिल्म की सफलता के लिए अरदास करने के लिए पहुंचे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि दो दिन पहले अपनी ही फिल्म ऊंचाई को देखने पहुंचे, उन्हें हाउसफुल होने के चलते टिकट ही नहीं मिली थी, जिसके बाद उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इसका ट्वीट भी किया था। उन्होंने कहा कि फिल्म को रिलीज के बाद अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। अमृतसर पुलिस कमिश्नर जसकरण सिंह की ओर से गलत तत्वों और आपराधिक गतिविधियों के खिलाफ चलाई गई मुहिम को उस समय बड़ी सफलता हासिल हुई जब चौकी काले घनुपुर अमृतसर के सब इंस्पेक्टर जतेंद्र सिंह और पुलिस अधिकारी गुरमीत सिंह ने पुलिस पार्टी सहित नाकाबंदी के दौरान राधा स्वामी डेरा रामतीर्थ अमृतसर से एक आरोपी को चोरीशुदा एक्टिवा सहित काबू किया। पकड़े गए आरोपी की पहचान अजमेर सिंह के रूप में हुई है। इस दौरान पुलिस ने प्राथमिक जांच के दौरान आरोपी की निशानदेही पर 9 और चोरीशुदा मोटरसाइकिल और एक एक्टिवा भी बरामद की है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। असी ना जी 10/11/2022 ਨੂੰ ਦਰਾਣੀ ਗਸ਼ਤ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਬਾਸ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰਾ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਬਣਾ ਦੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਪਾਸੋਂ ਉਸ ਦਿਨ ਐਕਟਰਾ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ। ਐਕਟਰਾ ਬਰਾਮਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਰਿਹਾ। ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 3 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਿਰ 3 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਿਰ 3 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਉਹਨੇ 10 ਜਿਹੜੇ ਚੋਰੀ ਦੇ ਵਹੀਕਲ ਨੇ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਕਰਾਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 9 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅਤੇ 1 ਐਕਟਰਾ ਚੋਰੀ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰਾਈਆਂ। ये है नाभा का फ्लाईओवर, जहां फ्लाईओवर के बीच बने डिवाइडर सड़क हादसों को निमंत्रण दे रहे हैं, क्योंकि फ्लाईओवर पर लगी लाइटें खराब होने के कारण हर दिन कोई ना कोई गाड़ी डिवाइडर के साथ टकराने के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। वहीं अब सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है और आने वाले समय में धुंध भी बढ़ेगी, जिससे हादसे बढ़ सकते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद नाभा प्रशासन कुंभकर्णी नींद सोया पड़ा है और किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। वहीं जब इस संबंध में नगर कौंसिल की प्रधान सुजाता चावला से बात की गई, तो उन्होंने अपना पल्ला झाड़ते हुए कहा कि इसकी जिम्मेदारी उनकी नहीं बनती। वे फ्लाईओवर की लाइटों को ठीक करवाएं, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि वे लाइटें ठीक करवाने की कोशिश करेंगे। नाभा से हलचल के लिए राहुल खुराना। ओवरब्रिज ते जिहड़ियां लाइटां नहीं मच रहीयां जी, प्रशासन नूं साडी इही मंग है। तुसीं देखिया ही है जिहड़े रात दे जो दृश्य ने, जिवें कोई ट्रक वाला आ रहा या कोई गड्डी वाला आ रहा, रात दा समां आ। जो तुसीं डिवाइडर देख रहे हो, डिवाइडर भी नहीं दिखते, तो कोई ना कोई इत्थे अनसुखामी घटना ना वापर जे, तां करके साडी प्रशासन नूं मंग है कि लाइटां दा जल्दी तो जल्दी प्रबंध कराया जाए, क्योंकि यह कोई किसी का परसनल काम तो है नहीं, ये सारिया का साझा काम है, तो यह काम इतने होना चाहिए, लाइटा इतने लगनिया चाहिए ने जी। तुसी कैंडल मचाइया की कहना चाहते हो इस बारे? कैंडल असी ता मचाइया भी लोगों को पता लग सके भी इतने कोई चीज़ है जी। सर नाभा भवानी जो ओवरब्रिज है, वो हालत है पहला खस्ता थी, पर कुछ कमरीर पा के मुरम्मत जरूर करा दी है, पर कोई फायदा नहीं। वो ना तो डिवाइडर का प्रबंध है, ना लाइटिंग का प्रबंध आ, क्यों उपर जाते हैं या मूहरों लाइटें पैदा, मूहरे कुछ नहीं देखता। बिजली बोर्ड वाले तक गल पहुंची तो उन्होंने हाथ खड़े कर, ये पुल लवारिस दी तौर पर देखा जा रहा इस टाइम। सानू PWD दी ये रोड है तो उत्थे PWD दी ही लाइटा ने, सानू उन्हां वल्लों रिक्वेस्ट की गई है भी तुसी जिवें नगर कौंसल विच जिवें सारे काम चल रहे ने, सारे पासे लाइटा दा, स्ट्रीट लाइटा दा, सड़कां दा काम चल रहे हैं भी, उवें ही उन्होंने रिक्वेस्ट की है भी तुसी इधर भी लाइटा वल ध्यान दिता जाए, पर ये साढ़े अंडर नहीं आता। पर साडा टारगेट है कि नाभे दे अंडर ही है जो कुछ भी है भी, असी MLA साहब नाल गलबात करके जिवें भी हो सकता है उपर अदारे नाल गल करके, उन्होंने PWD विच गल करके भी असी इहदा कोई ना कोई हल जरूर कढ़दे हां। होशियारपुर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के नव नियुक्त चेयरमैन हरमीत सिंह औलख ने अपने कार्यालय का कार्यभार संभाला, तो वहीं उससे पहले कार्यकर्ता के लिए रखे गए कार्यक्रम में विशेष तौर पर पहुंचे कैबिनेट मंत्री ब्रह्म शंकर जिम्पा ने जहां औलख को उनकी चेयर पर बैठाया, वहीं उन्हें बधाई देते हुए कहा कि पार्टी ने हरमीत सिंह औलख की ईमानदारी को देखते हुए उन्हें यह जिम्मेदारी दी है जिसके वे हकदार थे। वहीं पंजाब में बिगड़ रही कानून व्यवस्था को लेकर बात करते हुए कैबिनेट मंत्री ब्रह्मशंकर जिम्पा ने कहा कि ऐसी घटनाएं पंजाब में पहले भी होती थी, लेकिन विपक्षी पार्टियां आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता और ईमानदारी को देखते हुए बौखला गई है, इसलिए सब एकजुट होकर कानून व्यवस्था के खिलाफ कार्य कर रही हैं।
वहीं उन्होंने जल्द ही पंजाब में हथियारों की समीक्षा होने की बात कही। वहीं पार्टी द्वारा दी गई जिम्मेदारी को हरमीत सिंह औलख ने पूरी तनदेही से निभाने की बात करते हुए कहा कि पार्टी द्वारा दी गई इस जिम्मेदारी के लिए वे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के दिल से आभारी हैं। लखनऊ आज पार्टी ने चेयरमैन जी नवाज के एक सिद्ध करती है भी आम आदमी पार्टी है, आम वर्करां दी पार्टी है, आम वॉलंटियर्स दी पार्टी है। और मैं अपनी जिंदगी दे कह सकदा राजनीतिक जीवन दे विच पहली बार चीज़ां देखियां। बड़ा लंबा अरसा राजनीति नाल जुड़े रहे हैं, मैं कह सकदा 80 तो मैट्रिक की उदों तो होश है और इकट्ठे राजनीति बड़े लंबे टाइम से की है। पर इदा किसी वर्कर नूं नवाजना इस तरीके दे नाल सिर्फ एक आम आदमी पार्टी कर सकती है। और जिहड़ी सरकार आई सी वॉलंटियर दा जिहड़ा दिन रात उन्होंने मेहनत की सी वो सार्थक हुई है, ये गल सिद्ध हो गई। नहीं, बिल्कुल गलत धारणा और क्वेश्चन है इस गल का। कोई पंजाब की कानून व्यवस्था देखो घटनावान होंदिया कोई शक वाली गल नहीं है, पहला भी होंदिया रही, लेकिन इन्होंने घटनावान पिछे कौन खड़ा, इन घटनावान कौन हाईलाइट कर रहा और क्या ये प्लैंड घटनावान आ। मैं तो यह कह सकता भी ये आम आदमी पार्टी का जो ईमानदार शासन है, अज जिन्हिया भी बेईमान शक्तियाँ वो घबरा गई, उन्होंने नहीं सोचा भी इदा दी ईमानदार सरकार आऊगी, वो कट्ठिया होकर इस कानून व्यवस्था के खिलाफ काम करने की कोशिश कर रही, पंजाब के लोगों के दते मत के खिलाफ कोशिश कर रही। और डेफिनेटली है आम आदमी पार्टी के मानयोग साडे मुख्यमंत्री भगवंत मान जी बड़े फर्म हैंड दे नाल जिन्हों कहते हैं तगड़े हत्थां दे नाल उन्हां दा मुकाबला भी कर रहे हैं और उन्होंने नत्थ पाने की कोशिश भी कर रहे हैं। मैं शुक्रिया अदा करदा उस अकाल पुरख का शहीद पातशाही का जिन्हों की कृपा सदका मैं ये अहुदा मिले आ। उस तो बाद पार्टी हाईकमांड श्री अरविंद केजरीवाल जी, भगवंत मान जी, तो संदीप पाठक जी, MLA विनय मिश्रा जी, सारी जिनी कैबिनेट उस तो बाद MLA साहबान सब का शुक्रिया करदा जिन्होंने इस एक आम बंदे नू इस अहदे चुनिया। गत दिनों अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह का बयान आया था कि टैटू आर्टिस्ट धार्मिक चिन्हों और पंक्तियों को लोगों के शरीर पर न अंकित करें, इससे सिखों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है। जिसके तहत जब हमारी टीम ने टैटू आर्टिस्ट से बात की तो जालंधर के टैटू आर्टिस्ट अवतार सिंह ने बताया कि जब उन्हें अपना कैरियर शुरू किया था तब उनके द्वारा टैटू बनवाने आए लोगों के शरीर के अंगों पर धार्मिक चिन्ह के टैटू व पंक्तियों को अंकित किया था, लेकिन वर्ष 2012 से उन्होंने टैटू पंक्तियां अंकित करना बंद कर दिया था, क्योंकि जब एक सिख जत्थेबंदी द्वारा यह सब बनाने के लिए मना किया गया था। उन्होंने बताया कि तब से लेकर आज तक उन्होंने किसी भी शरीर के अंगों पर धार्मिक चिन्ह अंकित नहीं किए हैं। वहीं अवतार सिंह ने यह भी कहा कि जो लोग टैटू बनाने का काम करते हैं वे उनको अपील करते हैं कि वे भी धार्मिक चिन्ह लोगों के शरीर के अंगों पर ना बनाएं, क्योंकि इससे सिखों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँच सकती है। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। देखो मैं अपना टैटू का करियर स्टार्ट किया 2012-13 तो उदों तो इन्नी अवेयरनैस नहीं सी तो उदों असी बना देंगे सी, तो उस तो बाद 2015-16 के शुरू हो गया कि नहीं बनाने, तो उस तो बाद साढ़े कोई भी बंदा आवे असी उन्होंने सीधा ही मना कर दिया कि नहीं बनाने है, तो उस तो बाद तो बना बंद ही कर दते, तो उस तो बाद हूँ साढ़े कोई आ भी जाता तो असं उन्होंने सीधा ही कही कि तुम नहीं लिखा सकते क्योंकि बेद भी होंगी है ये तो नहीं लिखा चाहिए। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल सही है, गुरबाणी की तुकां किसी भी धर्म का रिस्पैक्ट करनी चाहिए आ। देखो जी इंसानी शरीर आ, तो बंदा दुखा सुखा का गलत कम है चंगे काम सारे नाल ही होंगे, सानू नहीं पता लगते अलग गल, तो नहीं होना चाहिए। वैसे गुरबाणी की तुक आ, तुसीं लोकी मत्था टेकदे आ, तुसीं अंग ते लिखा रहे गलत गल आ, नहीं लिखाने चाहिए। उन्होंने भी यही अपील आ कि आपां सारे धर्म सांझे होंदे आ, कोई फर्क तो है नहीं कि आपां हरेक धर्म की रिस्पैक्ट करिए जो शांति बनी रहे पंजाब दे विच, ते जो भी कह रहे हैं मनो हरेक दी गल जो कुछ कह रहे हैं कोई किसी गलत कह रहे हैं सियाने बंदे हैं जिहड़े कह रहे हैं। कमलेश्वर वाल्मीकि एजुकेशनल ट्रस्ट भारत की ओर से राज आदिवंशी के गतिशील नेतृत्व में शिक्षा चेतना शिविर पावन वाल्मीकि तीर्थ अमृतसर में आयोजित किया जा रहा है, जिस संबंध में जालंधर से भक्तों का एक जत्था अमृतसर पावन वाल्मीकि तीर्थ के लिए रवाना हुआ।
इस मौके पर रवाना होने वाले जत्थों के सदस्यों ने बताया कि इस शिक्षा चेतना शिविर में 10वीं 12वीं और हायर एजुकेशन में 75% से अधिक अंक लेने वाले और खेलों में वाल्मीकि समाज का नाम रोशन करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया जाएगा और 19 नवम्बर को पावन वाल्मीकि तीर्थ स्थित सरोवर में संगत द्वारा स्नान कर भगवान वाल्मीकि जी का आशीर्वाद प्राप्त किया जाएगा और अंत में भव्य भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा। इस मौके पर राजन सब्रवाल, धनपत अटवाल, रमन कुमार मट्टू, भूपेंद्र लाल, सोहन लाल, अजय सब्रवाल, शेखर गिल, मणिहंस, बलविंदर सोहोता, सचिन गिल, विशाल मट्टू, विजय भट्टी, जसमीत शौकी, मणि हिगल, विपन गिल और मोना भट्टी सहित असंख्य संगत मौजूद रही। साडे बहुत ही सतिकार योग आदि धर्म गुरु राज आदिवंशी जी की योग अगवाई हेठ सिक्ख्या चेतना शिविर कमलेश्वर वाल्मीकि एजुकेशनल ट्रस्ट के माध्यम तो पावन वाल्मीकि तीर्थ विखे करवाया जा रहा है, जिस विच जेड़े साडे समाज के बच्चों ने 10वीं 12वीं 75% जां उत्तों वधेरे अंक प्राप्त किए हैं, वह बच्चों जां जेड़े बच्चों ने हायर एजुकेशन विचों जिमें MBBS इंजीनियरिंग PCS IPS BA BCA BCom अन्य किसी भी खेत्र विचों वधेरे अंक प्राप्त किए हैं, वह बच्चों खेड जगत विच जेड़े बच्चों ने अपने वाल्मीकन समाज का नाम रोशन किया है, चाहे लड़का होवे लड़की होवे किसी भी गेम दे विच्चों घट तो घट डिस्ट्रिक्ट लैवल तक खेडे होण, ओ बच्चियां नूं पावन वाल्मीकि तीर्थ विखे सम्मानित कीता जाना है। क्रांति ग्रुप के मालिक सुभाष चंद्र शर्मा की पत्नी प्रेम कांता, जो कि अपनी सांसारिक यात्रा पूर्ण कर प्रभु चरणों में विलीन हो गई हैं, उनकी आत्मिक शांति हेतु रस्म क्रिया एवं श्रद्धांजलि सभा का आयोजन श्री देवी तालाब मंदिर में स्थित राम हाल में किया गया, जिसमें आए हुए पंडितों ने श्री गरुण पुराण जी के पाठ का भोग डालकर स्वर्गीय प्रेम कांता की आत्मिक शांति हेतु प्रार्थना की। इस मौके पर पूर्व विधायक केडी भंडारी, भाजपा देहात के प्रधान अमरजीत सिंह अमरी, पार्षद भगवंत प्रभाकर, गुलशन शर्मा, वरुण मदान, तरुण शर्मा, नरेश जोशी, तरसेम कपूर, ललित शर्मा, मनमोहन शर्मा, मनु छाबड़ा, पारिवारिक सदस्यों में पति सुभाष शर्मा, अशोक कुमार शर्मा, पारस शर्मा, अमन शर्मा, सौरभ भल्ला, प्रवीण शर्मा, प्रियंका शर्मा, स्वाति शर्मा सहित राजनीतिक, धार्मिक तथा सामाजिक वर्ग से जुड़े लोगों ने स्वर्गीय प्रेम कांता को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की।
जो आज ये धर्म का कार्य करके गए श्रीमती जी शकुंतला माता और श्रीमती जी कांता माता, ये दोनों बहने बहने समान थे। ये नहीं देखते थे धर्म का कार्य करना है तो अभी चलो चल देते थे, ये नहीं देखते थे पैर में जूतियां हैं कि नहीं है। भगवान का कार्य करने के लिए ये नहीं देखते थे कि धूप है कि छांव है। तो ऐसे जीव को मैं बहुत नमन करता हूँ, ऐसे शक्ति माता को प्रणाम करता हूँ। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। थाना मकबूलपुरा की पुलिस ने दो आतंकवादियों को किया गिरफ्तार, एक ग्रेनेड और 1,00,000 रुपए की भारतीय करेंसी की बरामद। बठिंडा के मिनी सचिवालय में पूर्व फौजी पेट्रोल की बोतल लेकर आत्महत्या करने के लिए छत पर चढ़ा, पुलिस ने कड़ी मशक्कत कर किया काबू। जालंधर के अधीन आते फिलौर में दहेज की मांग पूरी ना होने पर दूल्हे ने मंडप में फेंका सेहरा, पीड़ित परिवार ने DSP से इंसाफ की लगाई गुहार। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।